वेलकम फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी अपडेट, कर्मचारी और पेंशन भोगों का लंबा इंतजार हुआ खत्म। देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशन लंबे समय से 18 माह बकाया डेढ़ ब्याज सहित मांग करते आ रहे थे, जिसको लेकर आज कर्मचारी को हुई बल्ले बल्ले। साथ में राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद कई राज्यों में हुई पुरानी पेंशन बहाली के बाद से ही यह मुद्दा पूरे देश भर के कर्मचारियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और कर्मचारी संगठन जोर शोर से मांग करते आ रहे थे, जिसको लेकर अभी जबरदस्त अपडेट आ चुकी है। कब से होगी पुरानी पेंशन पूरे देश भर में लागू, जानेंगे सभी अपडेट्स को एक एक करके। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगों से संबंधित अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं खबरों को बिना किसी देरी के। अभी केंद्र कर्मचारियों की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, अब कर्मचारियों को जल्दी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए कर्मचारियों ने लंबे समय से सरकार के सामने डिमांड रखी है। केंद्र की मोदी सरकार अब कर्मचारियों की डिमांड पर विचार कर रही है। केंद्र ने ओल्ड पेंशन स्कीम कानून मंत्रालय से इसके लिए राय भी मांगी है, अब मंत्रालय से इससे संबंधित जवाब मिलने का इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार जल्दी अच्छी खबर दे सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को केवल 7th पे कमीशन पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की मांग से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा रखी गई थी ताकि उन्हें पुरानी पेंशन के तहत भी लाभ मिल सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस समय 7th पे कमीशन पेंशन के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का विचार कर रही है, जिस पर जल्दी फैसला आ सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है। जिन कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे, उन्हें यह फायदा मिलेगा। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार इस मुद्दे पर फाइनल फैसला कानून मंत्रालय के जवाब आने के बाद ही लिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने इस मसले को कानून मंत्रालय को दे दिया है। DOP एंड PW उन कर्मचारियों को NPS से बाहर रख सकता है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उनसे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर कर सकता है। अगर सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेती है तो पुरानी पेंशन का बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है।